जमीन से किसी एरिया की निगरानी तो आपने कई बार देखी होगी, आज देखिए हवा से चप्पे चप्पे पर नजर क्वारंटाइन एरिया की। नमस्कार, मैं जिशान जावेद आपके साथ, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। ड्रोन कैमरे से डॉक्टर सिंगर के नर्सिंग होम का आसपास का नजारा, पुलिस की इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, देखिए यह रिपोर्ट। रीवा शहर ने पहली बार देखी ऐसी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, वह भी किसी अपराधी के लिए नहीं बल्कि कोरोना वायरस से संक्रमित एरिया में रहने वाले लोगों की निगरानी के लिए। 18 सीसीटीवी कैमरे सहित ड्रोन लगातार लोगों के घरों की निगरानी कर रहे हैं। हम आपको बता दें, कंटेनमेंट एरिया में लगभग 200 से ज्यादा घरों में रहने वाले लोगों की स्क्रीनिंग स्वास्थ्य विभाग अभी तक कर चुका है। नगर निगम के कर्मचारी लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचा रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें, डॉक्टर सिंगल जो कि दिल्ली में अपना इलाज करा रहे हैं, उनकी बहन और बेटी रीवा के संजय गांधी अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वहीं उनके नर्सिंग होम में 6 लोगों को क्वारंटाइन किया गया, सबकी हालत बेहतर बताई जा रही है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था कुछ इस तरीके की है, जमीन और आसमान दोनों से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। जमीन से सुरक्षा व्यवस्था का नजारा तो आप आए दिनों देखते ही रहते हैं, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे की नजर से यह नजारा शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। आज 7 दिन होने को आए, हम आपको बता दें, जब हमने पुलिस अधीक्षक रीवा आबिद खान से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको यह भी सुना दें। देखिए, एक कंटेनमेंट जोन रीवा शहर में बनाया गया है, इंदिरा नगर वार्ड क्रमांक 12, आप सब लोग को जानकारी में है। 2 केस पॉजिटिव वहाँ पे निकले थे उसके बाद, और कल साहब रीवा के निर्देशानुसार उसमें पूरे एरिया की मॉनिटरिंग करने के उद्देश्य से वहाँ पे कैमरा लगाना था। पुलिस के साथ कैमरे की टीम सहयोग करके वहाँ पे कौन कौन सी लोकेशंस पे कैमरे लगाने हैं उनको चिन्हांकन किया गया है, और करीब वहाँ पे 9 कैमरे इस समय 9 लोकेशंस पे 14 कैमरे लगे हुए हैं, जो सारी जो गलियाँ हैं और जो मोहल्ले हैं उनको, और जो एंट्री पॉइंट्स एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको मैन कर रहे हैं, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि कोई भी आदमी कंटेनमेंट एरिया में बिना किसी कारण के घूमे नहीं, एक दूसरे से मिले नहीं। कोरोना को हराना है, अभी तक हमने ये करके दिखाया है और आगे भी करके दिखाएंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। सरकार के दिए दिशा निर्देशों का पालन करिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।